पहाड़ी ड्रेस इनकी फोटोग्राफी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे सारी देखिए पेडल बोटें खड़ी हैं, तो यहाँ से अपने पेडल बोट जो है, जैसे आप लोगों को अगर सस्ता खाना खाना है तो इस तरीके का जैसे यहाँ पे आ सकते हैं फुल एडवेंचर के साथ। कौन थे देखिए, पूरा खाली खाली पड़ा है। टूरिस्ट जो है बहुत लेके चलते हैं और भी अच्छे से जानकारी देते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं? तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं नैनीताल की ऐसी जगह पे जहाँ पे हमेशा जो है मौसम ठंडा रहता है। तो नैनीताल में जो यहाँ पे घूमने का जो ज़्यादातर है, सुबह मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा रहता है और इवनिंग में ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह घूमने आते हैं। तो यहाँ पर जो है चार पाँच मंदिर भी हैं आपके, जैसे नैना देवी मंदिर, अब यहाँ से भी दर्शन करना चाहें तो यहाँ से दर्शन वगैरह भी कर सकते हैं। तो वो जगह मैं आपको पास में दिखाऊँगा और यहाँ से पूरा देख सकते हैं। लेक भी कितना खूबसूरत सामने देखने मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा जो है नज़ारा यहाँ से देखने मिल रहा है। और यहाँ से आप जो है तल्लीताल की ओर भी जाना चाहें तो तल्लीताल जा सकते हैं। यहाँ से तल्लीताल का रास्ता यहाँ से पड़ता है 1 किलोमीटर दूर की दूरी यहाँ से तल्लीताल। तो यहाँ पर अपना जो है मंदिर के दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं और यहाँ पर रिलैक्स होकर अपना घूमना चाहें तो घूम सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वहीं पर नैनीताल के थोड़ा सा नज़दीक लेके चलता हूँ और माता जी के दर्शन कराता हूँ आपको। आइए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप ना बोटिंग भी करना चाहें तो आप लोग बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस आपको सेम ही मिलेगा हर जगह का, ना कोई नीचे ना ऊपर, सेम प्राइस 320-420। तो यहाँ पे देखिए लाइफ जैकेटें जो हैं बारिश में काफ़ी भीग गई थी तो अभी सब सुखाने रख दी गई हैं और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। और अभी हम जा रहे हैं पैडल बोट के पास और यहाँ से पैडल बोट भी मिल जाती है, चाबुक बोट। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कलर की बोटें हैं, ये देखिएगा, ये हैं पैडल बोटें। और यहाँ सामने देख सकते हैं नैना देवी का मंदिर। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना जो है प्यारा नज़ारा देखने मिला है। नैना देवी मंदिर भी है, साथ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से दर्शन कर सकते हैं अपने आराम से। और पीछे का नज़ारा देख सकते हैं कितना प्यारा जो है नज़ारा देखने मिल रहा है, वो है चाइना पीक। चाइना पीक से जो है देखिए किस तरह का जो है कोहरा उठता हुआ नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ देखिएगा कितना प्यारा जो है नैनी लेक का नज़ारा आपको देखने मिला है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा बोटिया मार्केट के, बोटिया मार्केट में इस टाइम किस तरह के जो है टूरिस्ट कम चल रहे हैं। तो दोस्तों कल से बहुत ही जो है ज़्यादा नैनीताल में टूरिस्ट भी कम हो गए, तो एक ही दिन की छुट्टी मिली तो टूरिस्ट सारे जो हैं अपने अपने घर वापस चले गए हैं और एक ही दिन के लिए नैनीताल घूमने आए थे। तो चलिए हम चलते हैं और आपको लेके चलते हैं और भी अच्छे से जानकारी देते हैं दोस्तों। हम चलते हैं भोटिया मार्केट की ओर, तो हम आपको दिखा देंगे भोटिया मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे स्टार्टिंग करेंगे ठंडी रोड से, जैसे आप एग्जिट मारेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगी पहाड़ी टोपी इस तरह की, और ये हमारे दादा हैं टोपी बेचते हुए। और यहाँ पर देखिए काफ़ी जो है यहाँ पर ये मार्केट जो है लोकल मार्केट कहलाती है। और हमारे लक्की भाई जा रहे हैं हमारे आगे आगे, और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे जो है आइटम वगैरह अपने गिफ्ट के लिए लेना चाहें तो लेके जा सकते हैं आप लोग। और काफ़ी बढ़िया बढ़िया जो है सामान वगैरह यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे। तो अभी हम नैना देवी के मेन गेट के पास आ गए हैं, ये देखिए यह है नैना देवी माता जी का गेट। और ये हम पहुँच गए हैं अभी जहाँ पर प्रसाद वगैरह मिलता है, तो यहाँ से अपने प्रसाद वगैरह नैना देवी कि नहीं प्रसाद लेना चाहते हैं यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो अभी जो है देखिए पूरा खाली खाली पड़ा है, टूरिस्ट जो है बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। तो चाट मार्केट के अंदर भी देखिएगा बहुत ही कम नज़र आ रहा है, कल तो इतना टूरिस्ट दिख रहा था काफ़ी, और भोटिया मार्केट पूरी जो है देखिए खाली खाली पड़ी है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग पूरी मार्केट जो खाली खाली पड़ी है। दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, आज जो है ना मौसम में इतनी गर्म आ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्म मौसम हो रही है, तो आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से धूप ही धूप और बेहिंता जो है गर्म हो रहा है आज का मौसम, तो देख सकते हैं इस तरीके से। और ये सामने देखिए हमारे यहाँ की नैनीताल की जामा मस्जिद, और यह है नैनीताल की मेन पार्किंग। तो सारी ज़्यादातर पार्किंग यहीं पर लगती है क्योंकि यहाँ पर जो सब कुछ है, नैना देवी मंदिर, गुरुद्वारा, भोटिया मार्केट, तिब्बत मार्केट, फुटपाथ मार्केट जिसे लुंडा मार्केट वगैरह बोला जाता है, तो वो सब इधर ही है। और देखिएगा और जामा मस्जिद भी पास में ही है,
और ये इसके पास में ही बड़ा बाज़ार भी ज़्यादा ऊपर नहीं, यहाँ से 500 मीटर 600 मीटर की दूरी में बड़ा बाज़ार है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद जो मैच ख़त्म होगा फुटबॉल का, उसके बाद जो है क्रिकेट मैच चालू हो जाएगा आपको। तो शाम में ज़्यादातर यहाँ पे चार से छः दुकान लगती है यहाँ पे। और यहाँ देखिएगा स्नो व्यू रोड, यहाँ से देखिएगा ट्रॉली जाती है तो इसी तारों से जो ऊपर के साइड जाती है स्नो व्यू, वो है केबल कार स्टेशन। तो अभी हम आपको थोड़ा सा लेक के नज़दीक चलते हैं कि वहाँ पे किस तरह का टूरिस्ट है वो भी दिखाएंगे। नहीं तो मैं पहुँच गया हूँ कैपिटल सिनेमा के पास। तो ये सबसे पहले हम दिखाते हैं यहाँ का टिकट काउंटर। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर मूवी चल रही है काफ़ी ट्रेंडिंग में, तो रोज़ जो है यहाँ का जो है टिकट जो है हाउसफुल हो जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो चार शो चलते हैं और क्या क्या टाइम है, आप लोग देख सकते हैं शो का, ये देखिएगा। तो इसमें जो है एकदम फुल हो जा रहा है। तो जल्द जल्द से आप आइए नैनीताल में, अगर घूमने आए हैं और मूवी देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन करिए, कैपिटल सिनेमा डालिएगा और वहां से अपना ऑनलाइन कर सकते हैं आप लोग। तो अभी हम चलते हैं आगे की ओर, और ये है यहां का मेन गेट जहां से एंट्री वगैरह होती है सिनेमा के अंदर। तो यह अपने बच्चों का छोटा सिनेमा, यहाँ पर बच्चे वगैरह वीडियो गेम खेलने आते हैं। तो अभी ललित भाई क्या हैं, और इसी के बराबर में है चाट मार्केट, और वीडियो गेम खेलना चाहें तो वीडियो गेम वगैरह भी, यहाँ गेम्स वगैरह खेलना चाहें तो गेम खेल सकते हैं यहाँ पे। और चाय पकौड़ी सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगी, दिल्ली चाट तो यहाँ पे काफ़ी फेमस है, अभी नया नया बना हो काफ़ी फेमस है। और इसी के पास में जो है अपना बच्चों का देखिए कार वगैरह भी यहाँ पर, तो अपने बच्चों की कार वगैरह चलवाना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं फुल एडवेंचर के साथ। अभी पेडल बोर्ड के बाद जहाँ से आपको पेडल बोर्ड मिलती है, तो यहाँ पर देखिए सारी जो है पेडल बोटें खड़ी हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सारी देखिए पेडल बोटें खड़ी हैं। तो यहाँ से अपने पेडल बोर्ड जो है चाबू बोटी के पास में बराबर में ही, ज़्यादा नहीं है, ये देख सकते हैं आप लोग, एक से एक बड़ी आपको जो है यहाँ पर पेडल बोर्ड मिलेगी यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बोट जो जा रही है, और काफ़ी जो है सारी बोटें जो है खाली हैं क्योंकि टूरिस्ट नहीं है नैनीताल में आज, ये देख सकते हैं आप लोग। और काफ़ी जो है गर्म मौसम हो रहा है, आप लोगों को ये भी नज़र आ रहा होगा काफ़ी दोस्तों। और देखिए वहाँ पे भी जो है बिटला, वो जो एरिया है पूरा बिटला, वो वहाँ से देखिए किस तरह का जो देखिएगा कोहरा उठता हुआ नज़र आ रहा है। और वो है सामने अपना बोट हाउस क्लब, तो अभी हम चलते हैं वहाँ पर और वहाँ से यहाँ का पूरा लेक का नज़ारा दिखाते हैं। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ से आपको पूरा नैनीताल का नज़ारा। हम पहुंचने वाले हैं बोट स्टैंड के पास जहां से टिकट वगैरह मिलता है। तो यहां पे देखिए सभी लोग जो हैं खाली बैठे हुए हैं, और अभी हम आपको दिखाते हैं। तो यहां के देखिए सबसे पहले हम आपको चाचा मिलेंगे, यहां पे सिंगर यहां पे काफ़ी जो है अच्छा गाना गाते हैं यहां पे। आप तो जैसे भी आओगे तो आपको इस रोड पर ही मतलब पंत मार्केट लोंडा बाज़ार में आपको मिल जाएंगे गाना गाते हुए, गाना गाते हुए। और यहाँ देखिए थोड़े बहुत जो हैं टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं घूमते हुए। और अभी हम पहुँचने वाले हैं बोट स्टैंड, तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जो है भीड़ नज़र आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ी ड्रेस में फ़ोटो खींची जा रही है, तो सरदार जी जो हैं फोटोग्राफी कर रहे हैं पहाड़ी ड्रेस में। तो किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको भी आना तो यहाँ पे फोटोग्राफी करना चाहें कर सकते हैं। तो ये सामने फोटोग्राफर की दुकान है, और यहीं से अपना जो है पहाड़ी ड्रेस उनके फोटोग्राफी कर सकते हैं आप लोग। और ये है बोट स्टैंड, तो देखिए सारी बोटें जो हैं इस टाइम खाली हैं, देख सकते हैं दोस्तों। जो सीज़न में एक मिनट में भी बोट नहीं मिलती थी, और आज देखिए पूरी जो बोटें खाली खड़ी हैं सभी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और ये अपना बोट हाउस क्लब नैनीताल का, और यहाँ देखिएगा सभी बोटें जो है खाली हैं। और देखिए लेक के अंदर भी जो है इक्का दुक्का बोटें नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों।
तो मैं पहुंच गया हूं माल लोड में। तो जहां से माल लोड की स्टार्टिंग होती है तो यही रिक्शा स्टैंड के पास से माल लोड की स्टार्टिंग होती है। यहां से 6 से 8 जो है माल लोड बंद रहता है। तो ये माल लोड जो है पूरा बैरियर लगा दिए जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो 2 घंटे के लिए आजकल जो है बंद नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है ना ऊपर कॉलेज वाला रोड पर, तो इसलिए बंद नहीं किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो है पूरा जो है खाली खाली पड़ा है, पूरा माल लोड भी देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए नीचे वाली माल रोड से थोड़ी लोकल की गाड़ी आते हुए नज़र आ रही हूँ। ये देख सकते हैं एक गाड़ी जो है टूरिस्ट की भी आ गई। और ये देखिए इस तरह की जो है आपको काफ़ी थारें मिलेंगी यहाँ पे घूमने के लिए। जैसे बर्फ़ पड़ता ना सबसे ज़्यादा जब भी ये थार ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो देख सकते हैं आप लोग और काफ़ी जो तेज़ धूप है ये भी आप देख सकते हैं। ब्लॉग को करते हैं पूरा एंड। तो गाइज आज बहुत ही नैनीताल में गर्मी है और काफ़ी जो है टूरिस्ट भी नैनीताल में बहुत कम है और होटल भी आपको इस टाइम बहुत ही कम प्राइसों में नैनीताल में अगर आप आएंगे घूमने तो बहुत ही कम रेटों में आपको होटल और टैक्सी आपको अच्छे प्राइसों में यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं पूरा एंड। तो काफ़ी टाइम हो गया है ब्लॉग को अपडेट भी करना दोस्तों। चलिए टेक केयर।